चलिए आज खाना खजाने में बना रहे हैं हम भुट्टा मुंगरी की खीर। सो ले लिया है मैंने भुट्टा जार में, मुंगरी छीलने के बाद जार में ले ली है, और ये मैंने और माँ जी ने छीली थी, और ये उसमें थोड़ा सा पानी करके डाला और इसको दरदरा पीस लेंगे, बारीक नहीं करेंगे, इसे पीसते हैं हम दरदरा। उसके बाद ये देखिए, ये है दरदरी पीसी हुई मुंगरी। ये आपने इंग्रेडिएंट में पिसी हुई मुंगरी, चीनी, घी और लेना है एक पैकेट दूध। तो चलिए खीर बनाते हैं। तो सबसे पहले खीर बनाने के लिए आपने लेना है तेल, सॉरी घी लिया है हमने। आप तेल डालें, रिफाइंड डालें या कुछ भी डालें। सो हमने लिया है इसमें घी, चाहे तो आप रिफाइंड है तो रिफाइंड डाल सकते हैं। ये हो गया है यहाँ पर घी गरम। उसके बाद अब आप इसमें डालें मुंगरी, ये पिसी, देखिए देख सकते हैं आप, ये पिसी हुई दरदरी मुंगरी है, बारीक ना पिसे। इस तरीके से इसको डालिए और इसे चलाते रहिए। इसे चलाते रहने से ये होगा कि ये, अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा, ठीक है। तो इसे चलाते रहिए इस तरीके से, अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये चिपक जाएगा बर्तन में और ये जल भी सकता है। तो इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे दो तीन मिनट तक इसको आप चलाते रहिए, कंटिन्यू चलाइए, जिससे कि ये बर्तन ये नीचे चिपके ना। अब इसमें हम डालते हैं, जिस हिसाब से आप चीनी खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें चीनी डाल देंगे। आप मीठा कम खाते हैं तो कम डालें और ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा। उसके बाद लेंगे एक पैकेट दूध, और ये इसमें डाल दिया है दूध एक पैकेट। अब दूध को डालने के बाद इस तरह इसको थोड़ा सा पकने देंगे। ये दूध में थोड़ा सा पानी डाल के, जो भी साइड साइड में जो मिलाई चिपकी रहती है उसको भी आप डाल के, दूध पैकेट में पानी डाल के, और उसको इस तरीके से डाल देंगे। सो इस तरीके से उसको हिला लेंगे अच्छी तरीके से, दूध चीनी और जो मक्का है उसको अच्छे से पूरी तरीके से हिला लेंगे। और इसमें डालेंगे अब हम थोड़ा सा पानी, पानी इसलिए क्योंकि अब हम खीर को पकने के लिए रखेंगे और हिलाते रहेंगे, कंटिन्यू इसे हिलाते रहेंगे। इसे हिलाने से इसलिए ये होता है कि ये जो दूध कच्चा दूध है उसको पकने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो इस तरीके से आप इसे खिलाते रहेंगे और खूब देर तक इसको हिलाने के बाद जब ये गाढ़ी हो जाए, तो गाढ़ी होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो हमारी खीर तैयार हो चुकी है, और आप टेस्ट करके बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसी लगी। सो माँ जी ने खीर तैयार कर दी है, आप भी अपने घर में बनाएं और खुश रहें। Thank you.